शिमला नगर निगम के चुनाव 16 जून को पूर्ण हुए और 17 तारीख को सभी परिणाम घोषित किए गए। 34 सदस्य वाली शिमला नगर निगम में 17 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सदस्य चुनाव जीते और एक आजाद उम्मीदवार भी भारतीय खेमे में आया और इस तरह से इनकी संख्या 18 हो चुकी थी। परंतु एक दिन बाद और एक आजाद सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आकर इसकी संख्या 19 कर दी, जिससे यह तय हो चुका था कि अब मेयर और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। डीसी ऑफिस के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडे और नाच गाना करने लगे, जैसे ही उन्हें यह सूचना मिली कि मेयर और डिप्टी मेयर उनके बन चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के। और उसके पश्चात ये सभी बाहर नाच गाना करते हुए अपने मेयर और डिप्टी मेयर का इंतजार करने लगे ताकि वह उनका स्वागत कर सके। काफी हल्ला गुल्ला, झंडे, नाच गाना, ढोल नगाड़े और बाजा, ये सब कुछ। खुशी इतनी थी कि जैसे मानो सरकार ही हिमाचल में बीजेपी की बन चुकी है। और ऐसा लगता भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में है और विधानसभा चुनाव में भी परिणाम इसी के पक्ष में आने की उम्मीद की जा रही है। जैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर चुने हुए बाहर आए तो लोग बाजार की तरफ एक जुलूस निकाला गया, जिसमें शिमला के MLA और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी भी थे। खुशी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी को कंधे पर उठा लिया और झंडे लहराते हुए लोर बाजार से निकले। जुलूस के दौरान भी खुशी नजर आ रही थी कि भाजपा के कार्यकर्ता कितने खुश हैं। लोगों की एक अच्छी भीड़ मेयर और डिप्टी मेयर कुसुम जी और राकेश जी का स्वागत करते हुए और उसे स्वीकार करते हुए। यहाँ पटाखे चलाए गए थे, कितना कूड़ा है, अब इन्हीं का